मैंने बोला कि भाई बैच चल ही रहा है उसी में आप लोग फ्री पढ़िए। तो बच्चा सब बोला कि नहीं सर, कुछ हम आपको देंगे, 150 रुपया नहीं देंगे, लेकिन नहीं होता कि 50 रुपया या कुछ देंगे। तो हमें लगा कि ये कुछ देना चाह रहे हैं, तो नहीं होता, कुछ प्रोग्राम होता है, सोचा हुआ नहीं रहता है, कुछ ना कुछ ईश्वर जो होते हैं ना आपको माइंड दे देते हैं। तो मैंने अभी भले 10 साल पहले 1 रुपया का तो वैल्यू था, मतलब 1 रुपया में आप 10 साल से एवं पहले जाइएगा तो कुछ ना कुछ समोसा ये सब तो आम बात था। तो मैंने बोला कि भाई तब 1 रुपया दे दो, तुम देना ही चाहते तो 1 रुपया दे दो। वहीं से माइंड में आया और 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ते भी गए। बस ये है, कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसका खेत बिक गया और वो कोचिंग करने गया है तो उसका रिजल्ट आ गया तो माता पिता को ये दुख नहीं होगा कि खेत बिका था, लेकिन खेत बिकने के बाद भी लौट कर दोबारा घर आ गया तो परिवार अब पूरे जीवन के लिए टूट चुका है। तो बस यही मैं उस बिंदु पर यही बात रखूंगा कि कोशिश हो कि पढ़ाने के लिए आप पैसा लीजिए, लेकिन बच्चों के टैलेंट के साथ और रिजल्ट के साथ बिजनेस ना हो। कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं, मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं, मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं, मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, मैं यह जरूर कहूँगा कि जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। आप अपने लक्ष्य को बड़ा कीजिए, नसीब एक दिन झुकेगा और आप जो मुकाम पाना चाहते हैं एक दिन जरूर पाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी फोर्स लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज हम एक टीचर हैं, एक गुरु कहेंगे, उनका नाम है आरके श्रीवास्तव। बहुत वायरल जा रहे हैं सोशल मीडिया पे जो वो कर रहे हैं एक्टिविटीज़। आइए आपको भी रूबरू कराते हैं वो क्या कर रहे हैं आखिर और क्या चाहते हैं आपकी तरफ मैसेज भेजने का। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल जी। नमस्कार, सिटी पोस्ट के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जो आपने बताया कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ, तो एक तो होता है कि जिस परिस्थिति से आप पले बढ़े हैं, और दूसरा होता है कि कहीं ना कहीं हमेशा मैं शुक्रिया अदा मीडिया को करता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से ही जो मेरा प्रोग्राम सफल हो रहा है। क्योंकि यदि मैं 1 रुपया गुरुदक्षिणा में पढ़ाऊंगा तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि फैमिली चलेगा कैसे। तो कहीं ना कहीं मीडिया में मैसेज यदि गया तो मुझे देश के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका मिला है एज ए गेस्ट टीचर के रूप में, जिससे मुझे कुछ पैसे कमाने का मौका मिलता है। और उसी पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो मेरे रोहतास में 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम चलता है, तो वहाँ पर शिक्षकों को वेतन देना और मैं खुद पढ़ाता हूँ तो वो तो मेरी अपनी मेहनत है, लेकिन वहाँ जो मैंने हॉल लिया है, ऑफिस लिया है, तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा श्रेय है। तो ये मैं ज़रूर 4th पिलर को हमेशा मैं थैंक यू बोलता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, 1 रुपये कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में, 1 रुपये में तो एक टॉफ़ी भी नहीं आता। आप 1 रुपये में ज्ञान कैसे बांट रहे हैं? लोगों को डाउट हो रहा है कि 1 रुपये का क्या, ये कोई स्कैम तो नहीं है? नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, तो पहले तो है कि जब मैं पढ़ा रहा था तो ये माइंड में था भी नहीं कि मतलब ऐसा करना है। हाँ, ये था कि बच्चों से कुछ पैसा लेने हैं और जो बच्चे उस टाइप से नीडी हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं हर बैच में 5-10 बच्चे को फ्री पढ़ाने हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे, जैसे एक ही परिवार के कुछ बच्चे आए जो कि बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी हैं, 2-3 भाई एक ही परिवार के। तो क्या होता है कि अभी भी मैं भी ग्रामीण परिवेश में, बड़े शहरों और ग्रामीण परिवेश या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये डिफरेंस है कि पहले आप 10-15 दिन पढ़ाइएगा उसके बाद वो एडमिशन लेते हैं। अच्छा, वो डेमो क्लास वाला। हाँ, लेकिन बड़े शहरों में क्या होता है कि पहले आपको एडमिशन करा लीजिए उसके बाद क्लासेज स्टार्ट होते हैं। तो 10-15 दिन हम लोगों ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हुआ कि भाई अब तो एडमिशन करा लो। तो कराने के संदर्भ में क्या होगा, उसमें से 2 बच्चे चले गए। तो माइंड में होता है ना कि बच्चे चले गए, इसका मतलब है कि पढ़ाने से संतुष्ट नहीं है। इनिशियल लेवल पर जब आप स्टार्ट करते तो माइंड में यही जाता है कि लगता है कि वो चले गए 10-15 दिन पढ़ने के बाद। लेकिन उनके कुछ दोस्तों से ये जानकारी मिला कि सर वो पैसा लेने के लिए घर गए हैं। 10-15 दिन के बाद वो बच्चे आए। आने के बाद उन्होंने उस समय का जो था 150 रुपया मंथली था, तो
बच्चों ने दिया, लेकिन होता है कि बच्चे बहुत स्वाभिमानी होते हैं, कभी भी बहुत सारे बच्चे हैं इतने स्वाभिमानी होते हैं कि आर्थिक रूप से उनको दिक्कत भी है, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि मतलब हम फ्री में पढ़ेंगे। तो कुछ उसके दोस्तों ने बताया कि सर जहाँ पर ये किराए के मकान में रहता है वहाँ का भी 2-3 महीना का इसका किराया बाकी है, और आपके यहाँ तो था ही, और माता जी का कान नाक में का जो गहना होता है वही गिरवी करके ये लोग पैसा लेकर आया है। तो ये लगा कि यार इतना कम फी जो है उसमें यदि ये गिरवी रखा है तो आगे की स्थिति क्या है। तो मैंने बोला कि भाई बैच चल ही रहा है उसी में आप लोग फ्री पढ़िए। तो बच्चा सब बोला कि नहीं सर कुछ हम आपको देंगे, 150 रुपया नहीं देंगे, लेकिन नहीं होता कि 50 रुपया या कुछ देंगे। तो हमें लगा कि ये कुछ देना चाह रहे हैं, तो नहीं होता, कुछ प्रोग्राम होता है सोचा हुआ नहीं रहता है, कुछ ना कुछ ईश्वर जो होते हैं ना आपको माइंड दे देते हैं। तो मैंने अभी भले 10 साल पहले 1 रुपया का तो वैल्यू था, मतलब 1 रुपया में आप 10 साल से एवं पहले जाइएगा तो कुछ ना कुछ समोसा ये सब तो आम बात था। तो मैंने बोला कि भाई तब 1 रुपया दे दो, तुम देना ही चाहते तो 1 रुपया दे दो। वहीं से माइंड में आया और 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये कारवा बढ़ते भी गए। तो मेन चीज है कि वो एक प्री प्लान नहीं था, अकस्मात वो माइंड में आया कि ठीक है कुछ तुमको कुछ देना है तो हमें दे दो। मतलब ये इंसिडेंट ये था इससे 1 रुपए का जो स्टार्ट हुआ। हाँ जी, और उसके बाद अब तो ऐसा है कि अब तो मैं जैसे अभी मेरे को पटना इंटरव्यू हो रहा है तो मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ से तो पैसा कमाता हूँ। तो अब मैंने शुरू में ही बोला कि मीडिया का ही योगदान है कि हम अच्छे अच्छे जगह क्लास भी मिल रहे हैं, और उसी पैसे का मैं वहाँ उपयोग भी कर रहा हूँ, वहाँ शिक्षक भी रखा हूँ, खुद भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक दायित्व अब बढ़ते जा रहा है कि ये 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम को मैं देशव्यापी ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि ऑल ओवर, मान लीजिए दिल्ली के बच्चे हों, मुंबई के बच्चे हों, या अलग अलग एरिया के बच्चे हों, सभी एक छोटे जगह तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो लाभ लेंगे। और मैं अपने आपके चैनल पर ये प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि जल्द ये ऑनलाइन पूरे देश में स्टार्ट होगा, जल्द ही स्टार्ट होगा। अब जल्द का मतलब है कि आप समझिए कि 2023 में तो स्टार्ट हो ही जाए। सर ये बताइए कि आजकल जो इंस्टीट्यूट वगैरह है वहाँ पे अब पैसा ही होता है जो है, वो आपको भी पता है, आजकल आप BPSC ले लीजिए या कोई भी बड़ी कोचिंग ले लीजिए, 1 लाख से तो स्टार्टिंग है, और पहले इतना शिक्षा इतना महंगा कभी नहीं था। अब शिक्षा के लिए बहुत पैसा चाहिए, मेडिकल फीस के लिए इतना पैसा चाहिए, नीट के लिए। तो सर आप यहाँ पे जो ये कर रहे हैं तो आप मोटिवेट करना चाहेंगे और दूसरे टीचर्स को जो पैसे के लिए ही पढ़ा रहे हैं? आजकल हम भरोसा नहीं कर सकते किसी टीचर पे, या बच्चों को भेजने में भी डर लगता है, तो उस पर क्या कहिए? देखिए उस पर मैं 2 पॉइंट में रखूँगा। एक तो उनकी मजबूरी भी है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर इतने महंगे महंगे हो चुके हैं, और जितने भी मतलब ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हैं तो उनकी एक मजबूरी भी है कि मतलब जो भी टीचर रखने हैं तो भाई उनको भी मंथली जो भी है सैलरी देना है। लेकिन एक दूसरा बिंदु मैं ये रखूँगा कि मान लीजिए उन बच्चों का 1 लाख लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चे कोटा चले गए, लाखों खर्च किए, कोई दिक्कत नहीं है, गाँव का खेत बिक गया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट नहीं आया और वो संपन्न परिवार का बच्चा नहीं है, उतना गरीब है। और दूसरी सबसे बड़ी बिंदु है कि कहीं कहीं ऐसी भी परिस्थितियां हैं कि एक बैच में हजारों बच्चे हैं, और ऐसा हुआ कि टीचर जब पढ़ा रहा है तो 2 साल में वो बच्चा का नाम तक याद नहीं हुआ, मतलब उसका पैसा तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन उसका नाम तक नहीं याद रखे हैं, ये दुख की बात है। तो कम से कम मैं कोई सजेशन नहीं, आग्रह ही कर पाऊंगा कि बन पाए तो कुछ पैसा कम करना हो, टैलेंटेड बच्चा है तो कर भी देना चाहिए, पैसा ले भी रहे हैं तो सही बात है कि आप बहुत सारे खर्च भी हैं, लेकिन यदि कोशिश हो कि उस बच्चे का रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के लिए एक फैमिलियर रिलेशन होना पड़ेगा उस बच्चे के साथ। बहुत सारे नहीं कहना चाहिए, जैसे कोटा में सुसाइड की घटनाएँ आ जाते हैं बिहार UP या अन्य जगह के बच्चों का, हाँ, तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि अब माता पिता से बच्चे दूर गए, तो कहीं ना कहीं वहाँ के टीचर ही उसके माता पिता हैं, तो ऐसा फ्रेंडली एक रिलेशन होना चाहिए। अब ये नहीं है कि 500 हजारों का बैच है, जो अच्छे बच्चे हैं उसी क्रीम बच्चों पर केवल बस प्रैक्टिस चल रहा है, उसी का रिजल्ट आया, मीडिया कवरेज हुआ, अखबार में विज्ञापन दे दिए, तो ये गलत बात है क्योंकि रिजल्ट IIT का सीट हर कोई जानता है कितना है, बच्चे लाखों लाखों में है। तो बस ये है, कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसका खेत बिक गया और वो कोचिंग करने गया है तो उसका रिजल्ट आ गया,
तो माता पिता को ये दुख नहीं होगा कि खेत बिका था, लेकिन खेत बिकने के बाद भी लौट कर दोबारा घर आ गया तो परिवार अब पूरे जीवन के लिए टूट चुका है। तो बस यही मैं उस बिंदु पर यही बात रखूंगा कि कोशिश हो कि पढ़ाने के लिए आप पैसा लीजिए, लेकिन बच्चों के टैलेंट के साथ और रिजल्ट के साथ बिजनेस ना हो, बस यही आग्रह है उन लोगों से। और एक मैं बात हमेशा रखता हूँ कि यदि मेरे पास बच्चा पढ़ा और IIT का रिजल्ट आ गया, कहीं बच्चे कोचिंग गए BPSC का रिजल्ट आ गया, UPSC का रिजल्ट आ गया, बैंकिंग रेलवे का रिजल्ट आ गया, कोचिंग भी उसका एडवर्टाइजमेंट करके श्रेय ले लिया, कोचिंग यह नहीं बोला कि हमारे पास 1000 बच्चे थे और 510 रिजल्ट आया, इसमें 900 समथिंग रिजल्ट जिसका नहीं आया उसका मैं श्रेय लेने जा रहा हूं, क्योंकि नहीं आया उसका भी श्रेय लेना है। दूसरी बिंदु जो मैं करता हूं कि जो मेरे बच्चे जब सफल होते हैं तो मैं सबसे पहले उनको यह कहता हूं कि नर्सरी से 10th के टीचर को पहले मिठाई लेकर जाओ, सबसे पहला मैं ये बात बोलता हूं, क्योंकि 1, 2, 3 के टीचर को मिठाई लेकर तुम जाओगे गांव में तो उनके आंख से आंसू आ जाएगा। कोई नहीं कहता है, किसी भी लड़का मान लीजिए पटना पढ़ा है, किसी का बैंक रेलवे का रिजल्ट आ गया, बच्चा भी उसी टीचर का श्रेय दे रहा है, उस अपना खुद का सेल्फ स्टडी पर भी उसको विश्वास नहीं है कि तुम्हारे गांव से तुम्हारे साथ पढ़ने सैकड़ों बच्चे आए थे, उसी कोचिंग में पढ़ रहे थे, तुम्हारा ही पार्टिकुलर रिजल्ट क्यों आया? जब उस टीचर में जादू की छड़ी रहता तो सबका रिजल्ट आता। ये क्लियर है कि बिना गुरु के ज्ञान ने उन टीचर का योगदान है, लेकिन नर्सरी से 10th के टीचर कहाँ चले गए? बेस उन्होंने दिया था। तो कम से कम मैं आग्रह करूंगा कि रिजल्ट का श्रेय सबको मिलना चाहिए, उसके माता पिता को भी मिलना चाहिए कि बाहर आकर गलत संगत में नहीं पढ़ा, उस बच्चे का सेल्फ स्टडी नर्सरी से 10th के टीचर का सारा एवरेज मिलाइएगा तो 95% वही होगा, और जहां पर 2 साल पढ़े हैं वो 5% के अंदर है। तो बच्चों से भी आग्रह होगा कि कभी भी आप IIT करें, UPSC करें, BPSC करें, तो कम से कम नर्सरी 1, 2, 3, 4 इन सब टीचर को जिस दिन मिठाई लेकर जाइएगा उनके आँख से आंसू आ जाएंगे। और शायद मैं ये बात रख रहा हूँ तो हर इंटरव्यू में ही मैं बात रखता हूँ और मैं इस बात को फॉलो भी करता हूँ, तो शायद उन टीचर की दुआ भी लगेगा और बेहतर राष्ट्र निर्माण में एक योगदान भी होगा कि कोई 1, 2 का टीचर तुमने कभी कभी तुमको क ख ग घ लिखना सिखाया होगा, क ल म करके कलम सिखाया होगा, तो जब बेस मजबूत किया होगा तब जाकर कहीं ना कहीं तुम उस मुकाम तक तुम पहुँचे होगे, किसी कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो तो हजारों की भीड़ में भी तुम बात समझ पा रहे हो। तो बस यही कोशिश है। और दूसरी मैं बात, जैसे मैं अपने को बताता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी 5 वर्ष की उम्र में गुजर गए, जवानी में इकलौते बड़े भाई गुजर गए, तो मैं कभी भी यह नहीं कहता हूँ कि मैं पैसे के कारण मैं पटना पढ़ने नहीं आ चुका था। मैं यह जरूर बोलता हूँ कि मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मेरी मैं बोलता हूं कि कभी आप रेलवे स्टेशन जाइए, कहीं पर भिखारी जब भीख मांगते हैं तो आप देखिए किसी का हाथ पैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है। तो उनसे तो मेरी स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी थी, ठीक है आर्थिक स्थिति जो भी रहा होगा, लेकिन उनसे स्थिति अच्छी थी। तो उन बच्चों से मैं आग्रह करता हूं कि कभी भी आप आर्थिक स्थिति का रोना न रोइए, ईश्वर ने जितना आपको दिया है उनका हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए, और हमेशा यह देखिए कि आपसे दुखी कौन लोग हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं 4 पंक्ति जरूर बोलूँगा कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं, मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं, मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं, मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है, करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, मैं यह जरूर कहूंगा कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। आप अपने लक्ष्य को बड़ा कीजिए, नसीब एक दिन झुकेगा और आप जो मुकाम पाना चाहते हैं एक दिन जरूर पाइएगा। सर हमें जितना पता है कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपके पास है, वो क्या है वो भी बता दीजिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का था कि जैसे मैं बच्चों को जैसे कहीं कहीं अच्छे घर के भी बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो संपन्न परिवार के माता पिता की आता है कि हमारा बच्चा, कुछ बच्चे लगातार 7 घंटे 8 घंटे तक सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। तो मैं बस उन लोगों को यही मैं कहता हूँ कि बच्चे को जैसे फेसबुक है, रील्स है, शॉर्ट्स है, सोशल मीडिया पर
यदि वो लंबा समय व्यतीत कर रहा है इसका मतलब उसको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। यदि बच्चा जब छोटा रहता है तो आप बहुत जब छोटा होता है तो क्रिकेट खेलने गया, उसको खाने का समय का पता नहीं है और घर के बगल में ग्राउंड होता है तो उसकी माँ आती है लेने के लिए, छोटे बच्चे की मैं बात करूँ, इसका मतलब उसमें उसको रुचि जग गया कि चलो एकदम छोटा बच्चा है उसको खाने का टाइम नहीं है, दोस्तों के साथ खेल रहा है। तो वही मैथमेटिक्स का मैं नाइट क्लासेस लेने लगा कि लगातार 12 घंटे तक नॉन स्टॉप बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो जब शुरुआत किया था तो पेरेंट्स भी आकर बैठते थे कि कैसे मेरा बेटा रात भर जग जाएगा, रात से सुबह कैसे हो जाता है बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है। तो 450 से ऊपर जो नाइट क्लासेज है उतने रात मैं जग चुका हूँ और लगातार उसका उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे सेल्फ स्टडी करें। तो उसके लिए भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और एक रिकॉर्ड बुक था कि नॉन स्टॉप पाइथागोरस थ्योरम को मैं 52 तरीका से बिना रुके हुए मैंने प्रूफ किया था, एक टाइम बॉन्ड था तो उसी में मैंने प्रूफ किया तो उसका भी एक रिकॉर्ड बुक बना। तो रिकॉर्ड बुक से मैं अधिक इस पर ये नहीं होता हूँ क्योंकि मैं जरूर, लेकिन सर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये चीज़ लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या क्या अचीव कर चुके हैं सर, और ये अप्रिसिएशन का पार्ट है। मैं इस पर मतलब ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात कि हमसे या देश में कितने लोगों से टैलेंटेड बहुत लोग हैं जो बंद पर्दे में पड़े हुए हैं जिनको ना मौका नहीं मिल रहा है। हम बार बार बोलते हैं कि यदि मीडिया हमें इंटरव्यू नहीं लेता, अखबार में नहीं आते तो कहीं ना कहीं आगे मैं बढ़ता नहीं। अखबार में बढ़े तो हमें गूगल बॉय कौटिल्य जैसे देश के सबसे चर्चित बच्चे को पढ़ाने का मौका मिला और अभी कितना हुआ, कुछ महीना पहले विवेक बिंद्रा साहब के शो में बताया भी कौटिल्य ने कि सर जब मैं 2 क्लास में था तो रात भर में 10th क्लास के प्रोबेबिलिटी और ट्रिगो रात भर में ख़त्म कर दिए थे और नाम के साथ उसने चर्चा भी किया। तो कहीं ना कहीं जब थोड़ी सा आपका मीडिया क्या होता है, आपके कार्यों को दूर तक संदेश पहुंचाता है। तो मैं बस यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं बस यह देखना है कि आप यदि कहीं गांव से शहर में पढ़ने आते हैं और यदि कुछ बच्चे की मैं बात करूं यदि गलत संगत में आप हो गए तो एक बार अकेला में अपने माता पिता का चेहरा ध्यान में होना चाहिए कि कितने कष्ट से वो भेजे हैं। तो ये चीज़ें जब ध्यान में आएगा ना, माँ का चेहरा ध्यान में आए, पिताजी का चेहरा यदि ध्यान में आएगा तो कहीं ना कहीं इतना तो जरूर काम करेगा कि कम से कम, क्योंकि आप यदि बहुत सारा एग्जाम्पल देखते होंगे, कुछ बच्चे बड़े शहर में हॉस्टल में आ गए हैं, माता पिता को जानकारी नहीं है, पता चल रहा है कि मंथ में क्या है कि वो रेगुलर क्लास भी नहीं जा रहा है, किसी दिन जा रहा है किसी दिन हॉस्टल में सोए रह गया। तो भाई यदि रेगुलर पढ़ ही नहीं रहे हो तो तुम सीखोगे कहाँ से। तो उन बच्चों से आग्रह है कि तुम माता पिता को धोखा नहीं दे रहे हो, समय जब बीत जाएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि कहीं ना कहीं अपना खुद का समय आपने नुकसान कर दिया और जिन दोस्तों के साथ तुम बिगड़ रहे थे वो दोस्त भी बाद में तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो खुद से अपना कर्म कीजिए और कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ यदि एक चौथा चीज़ आप जोड़ लीजिएगा कि जो चाहेंगे वो पाएंगे, उसके साथ कोई काम करेगा। तो हमेशा मैं यह जरूर आग्रह करता हूँ कि लक्ष्य जो है माइंड में सोचा नहीं जाता है, लक्ष्य को लिखिए। जिस आप रूम में हैं आप लक्ष्य को लिख लीजिए कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि इस वीक मैं इतना घंटा पढ़ूंगा। फ्रिज पर यदि पानी लेने के लिए जा रहे हैं तो फ्रिज के पास भी आप लिख कर अपना चपका दीजिए पूरी तरह से। जब जब आप जाइएगा तो आपको परेशान करेगा कि मैंने जो प्रॉमिस किया था वो तो काम कर ही नहीं रहा हूँ। आप जगिएगा तो आपको आपका जो है बेडरूम में आपको दिखाई देगा कि मैंने तो बोला था इतना घंटा पढ़ने के लिए। तो बस मैं स्टूडेंट से बस यही निवेदन करता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठें यह सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी आपको एक बड़े लेवल तक पहुँचा देगी क्योंकि जिस दिन आप पढ़ रहे हैं आप सोचिए कि बस कल ही मेरा एग्जाम है, कल ही मेरा एग्जाम है, कल ही मेरा एग्जाम है। ऐसे यदि पढ़ेंगे बच्चे तो कहीं ना कहीं वो हमेशा प्रेशर में रहेंगे और एकदम निरंतर है कि उसका ग्राफ धीरे धीरे ही होगा लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। हाँ अब बिल्कुल वो सक्सेस करेंगे, बहुत सारे कर भी रहे हैं। मैंने अभी बताया है कि अभी जौनपुर में है मेरे विक्रमगंज का सब्जी विक्रेता का बेटा जो है श्रीराम, अब सोचिए कि वहाँ पर SDO है बिजली विभाग, संजय गुप्ता जी उसके पिताजी, इंटरव्यू सुनेंगे भी लोग तो सोचिए उसके पिताजी विक्रमगंज में अदरक मिर्चा बेचते थे,
और आज वो SDO है। तो वैसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि मैं एक बात जरूर कहता हूँ, उन बच्चों का हमें दुआ लगता है। और एक चीज़ से मैं हमेशा बचता हूँ, और 10 साल 20 साल के बाद भी मैं अपने को मैथमेटिक्स का शिक्षक ना आज बोलता हूँ ना 20 साल के बाद बोलूँगा, मैं अपने को मैथमेटिक्स का स्टूडेंट बोलता हूँ। क्योंकि शिक्षक तो इस जन्म में हो ही नहीं पाएंगे, जितने जीनियस स्टूडेंट्स मिलते हैं उतना ही नॉलेज ग्रोथ करता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ जिसके पास एक छोटी सी ज्ञान है, अच्छे बच्चों के साथ पढ़ाकर उस ज्ञान को बढ़ा रहा हूँ, और जो मैं बांट पा रहा हूँ उससे बच्चे IIT NIT और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में जा भी रहे हैं। तो यही एक प्रयास है। अभी तक कितने बच्चे को आपने पढ़ा चुके हैं, आपके अंदर से निकल चुके हैं? देखिए 500 से तो अधिक बच्चे अलग अलग प्रतिष्ठित कॉलेजों से पढ़ कर नौकरी कर रहे हैं, हजारों से अधिक बच्चों को पढ़ाया जा चुका है। लेकिन होता क्या है कि एक प्रोसेस होता है कि टेस्ट लेके बच्चे को फ्री पढ़ाइए, तो टेस्ट लेके पढ़ाइएगा तो उसमें से तो केवल अच्छे बच्चे आपने चुना। तो मेरा कहना यह है कि ठीक है वो बच्चा इंजीनियरिंग नहीं किया, लेकिन उसको यदि 1 रुपया में आपने पढ़ाया तो कम से कम बोर्ड तो पास किया ना, उसका तो पैसा बचा ना। वो 10th क्लास तो पास किया, 9th क्लास तो 1 रुपया में पढ़ गया। तो मेरा कोशिश होता है कि जो बच्चे अच्छे हैं तो उसको मान लीजिए कि एक सेलेक्टेड करके उसको पढ़ाते रहिए, लेकिन क्या है कि उन बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है जो आपके टेस्ट में फेल कर गए, तो उन बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग के अलावा भी कुछ, जो डिफेंस में भी बच्चे हैं, एयरफोर्स में भी हैं, NDA में भी बच्चे हैं, आपको जो CRPF में भी हैं बच्चे, तो वो सभी बच्चे हैं, तो अलग अलग पोस्ट पर भी हैं। लेकिन मीडिया में केवल इंजीनियरिंग वाले की चर्चा रहता है, तो वही बात। रहे थे RK श्रीवास्तव जी को, इनका कहना है कि तेज बच्चों को सब लोग मौका देते हैं लेकिन कमज़ोर बच्चों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। और सर एक गुरु दक्षिणा वाला कॉन्सेप्ट तो आपको बताए हैं, काफ़ी इंस्पायरिंग था। और बच्चों को अपना जो लक्ष्य है उसको ये देख के चलना है कि कल ही मुझे इसका परीक्षा देना है, तो उससे बच्चे सफल होंगे। जी सर बिल्कुल, इस पर एकदम बिल्कुल है कि बच्चे जब भी पढ़ें तो उनको ये जरूर लगना चाहिए, मतलब 1 साल के बाद एग्जाम है लेकिन हर दिन लगना चाहिए कल ही मेरा एग्जाम है, कल ही मेरा एग्जाम है, कल ही मेरा एग्जाम है। क्योंकि आप देखते होंगे किसी का भी जब एग्जाम रहता है ना तो 1 महीना पहले सीरियस हो जाता है, तो भाई 1 साल पहले सीरियस हो, पर डे समझो कि कल ही एग्जाम है। आज देखिएगा वीक से वीक बच्चे, हम ये कहते हैं कि जो ताड़ पर से गिरेगा खजूर मिलेगा, खजूर का मतलब मैं हाइट की बात कर रहा हूँ कि ताड़ की हाइट और खजूर की हाइट के रिस्पेक्ट में आप मान लीजिए IIT नहीं गए NIT मिल जाएगा, NIT नहीं गए स्टेट इंजीनियरिंग गए। एयरफोर्स का एग्जाम में क्या होता है, मैथ होता है, फिजिक्स होता है और इंग्लिश होता है, तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो ही जाते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं मेहनत कीजिएगा तो एक बात जरूर होता है कि एक बच्चा हुआ जो उसकी तैयारी नहीं किया, एक बच्चा हुआ दिल से तैयारी किया, एक बच्चा हुआ एग्जाम में बैठा नहीं, एक बच्चा हुआ एग्जाम में बैठा। तो जो बच्चा किसी भी परीक्षा में भाग ही नहीं लिया और एक कम से कम उसके लिए प्रयास किया, तो उससे प्रयास भी किया मान लीजिए प्रयास वाला भी बच्चा असफल हो गया और जो एग्जाम में नहीं बैठा वो भी असफल हो गया, लेकिन प्रयास वाला अपने जीवन में उससे लाख गुना बेहतर रहेगा। तो कम से कम प्रयास करना जरूरी है, और प्रयास ही जीवन में क्या होता है कि एक छोटे 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 प्रयास एक बड़े मुकाम तक ले जाते हैं। तो आप सुन रहे थे RK श्रीवास्तव जी को, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।